मैं चलाऊंगा तो सही रहेगा। लेकिन हैरानी की बात, एक महीना नहीं बीता था और मेरे से भी एक्सीडेंट हो गया। तब मेरा मन डिप्रेशन में चला गया और मैंने तब सोच लिया कि अब मेरे को गाड़ी बेचना है और एक कर्जा जो रोज़ आके लोग तंग करते हैं उनको चुका दूं और शांति की ज़िंदगी जीऊंगा, भले मुझे नौकरी करनी पड़े। सन 2002 में मैं मेडिटेशन में आया SPSM में। उससे पहले अगर कोई मेरे से पूछता कि आप कौन हो क्या हो, तो मैं वही बताता जो आम था कि मैं हरविंदर सिंह हूँ, मैं रायपुर से हूँ, मैं ट्रक ऑनर हूँ, मैं फलाना हूँ, मतलब मेरा ईगोस्टिक चलता था। और लेकिन ये मेडिटेशन में आने का कारण बताता हूँ आपको। जब मैं 2002 से पहले, मतलब 2001 में मेरे साथ ईश्वर ने कराया, उस टाइम मेरे को लगता था ये गलत हो रहा है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा था, ड्राइवर की तनख्वाह निकलना मुश्किल हो गई, कर्जा सिर पे चढ़ गया। तो मैंने क्या किया, खुद चलाना चालू किया कि नहीं, ड्राइवर लोग बेहोशी में चलाते हैं, मैं चलाऊँगा तो सही रहेगा। लेकिन हैरानी की बात, एक महीना नहीं बीता था और मेरे से भी एक्सीडेंट हो गया। तब मेरा मन डिप्रेशन में चला गया और मैंने तब सोच लिया कि अब मेरे को गाड़ी बेचना है और एक कर्जा जो रोज़ आके लोग तंग करते हैं उनको चुका दूं और शांति की ज़िंदगी जीऊंगा, भले मुझे नौकरी करनी पड़े। एक मेरा दोस्त है जो उन्होंने मेरे को मेडिटेशन सिखाया, बोले आप टेंशन में होते हो और नींद नहीं आती, आप बोलते हो, तो आप मेडिटेशन करिए। तो मैं आम मेडिटेशन कर रहा था। उसके बाद मेरे को रोज़ मैडम का पता चला, मैं वहाँ जाके मेडिटेशन करने लगा। उसके बाद जैन साहब का पता लगा, यहाँ पर आया, मतलब मैं नित्य नया होता चला गया। और आज मेरे को 18 साल पीछे जब देखता हूँ तो 18 साल कैसे बीत गए, मैंने कोई टेंशन नहीं किया और वाहेगुरु ने मेरे को पाला, मतलब मेरा परिवार भी खा रहा है, हैंड टू माउथ नहीं रह गए हम लोग। हाँ, एक जरूर हुआ कि 2002 से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था। मैं तो उस टाइम मैं ना मुर्गा भी हजम, बकरा भी हजम, मुर्गा भी हजम, मछली भी हजम, अंडे भी हजम, लेकिन वो खर्चे इतने जाते थे कि पूछो मत। और आज शाकाहारी में मेरे को टेंशन नहीं है उस खर्चा करने के लिए, फिर उसके लिए मेहनत डबल करो, 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे हम लोग मेहनत करते थे और खाते खाते दो रोटी वही मुर्गा मीट मटन, बस खा लो सो लो, ये लाइफ थी। लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम है, ये स्वर्ग में जी रहा हूँ। उस टाइम मेरे को बोलना नहीं चाहिए, वो भी रोजी रोटी थी, लेकिन वो लाइफ इस लाइफ से जस्ट एकदम नीचे का लेवल थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब सिर्फ दाल रोटी ही खाना था, मुर्गे मीट ही खाना था और कुछ, बस होना यही लाइफ है क्या। लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन के बाद में मेरे पास एक से एक हुआ, मैं ऋषिकेश भी घुमाया, मैं अमरनाथ भी घुमाया, मैं मतलब साल में दो महीना एक महीना घूमने निकल जाता हूँ, इतना मतलब भगवान ने कैसे दिया, मैं तो हैरान होता हूँ कि सिर्फ कमाना ही नहीं है, कमाने के साथ घूमना हो रहा है, नॉलेज मिल रहे हैं और लाइफ जो वास्तव में जीना है। अपन यहाँ आए हैं, अब पता लगा कि ये संसार हम लोग घूमने आए हुए हैं, इंजॉय करने आए हैं, टेंशन के लिए नहीं आए। तो ये लाइफ मैं जो जी रहा हूँ ना, ये मतलब मेरे को मालूम है, वहाँ जब जाऊँगा अपने मेन घर पे, तो मेरे को यहाँ जो घूमने के लिए मिला है, जो टाइम जितना भी मिला है, उतना मैं आराम से घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरे को ना ये संसार जो है टेंशन वाला, ऐसा नहीं लग रहा, अब लग रहा कि इंजॉय वाला संसार है ये। मैं तो बोलता हूँ हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए। और ये नॉन वेज के चक्कर में फंस के जो दुनिया में कत्लेआम हो रहा है, जानवर भी कट रहे हैं और आपका पेट खराब हो रहा है, इसी बीच में बताता हूँ कि मेरे को एक जैन सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो शरीर है ये कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ जब नॉन वेज डालते हैं तो ये अपनी जो छोटी आंतें हैं, ये जो बड़ी आंतें हैं ये, और जो दांत हैं, जो अपने नाखून हैं, ये वेजिटेरियन वाले हाथ दांत हैं, ये नाखून हमारे वेजिटेरियन वाले, हम लोग शेर और जानवर भेड़िए लोमड़ी नहीं है। तो ये भी एक पता लगा। तो अगर मैं कोई गाड़ी धंधे में रहता तो मेरे को तो ये कभी पता ही नहीं लगता, पता नहीं कितने जन्म और लगते मेरे को। अब पत्री जी से मिलने के बाद जो मेरे को पता लगा, फ्लूट जब ये बजा रहे थे तो मैं जब बता रहा हूँ ना, मैं ऐसी लोक में चला गया कि मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं ये इस संसार का हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही बाहर का और यहाँ पर मौज करना है। तो देखिए पत्री जी महाराज मेरे को मिल गए और उन्होंने मेरे को वो स्वर्ग दिखा दिया। उस जो मेडिटेशन जो पहली दफ़ा पत्री जी का मैंने फ्लूट मेडिटेशन सुना, तो मेरे आज मैं जब जब उस चीज़ को फील करता हूँ तो मेरा ना वो रोमांच आ जाता है, मेरे जो दिमाग में जो घंटियाँ बजने लगती हैं और ओम का उच्चारण होने लगता है ऐटोमेटिक। जैसे बाद में सुना हूँ मैंने कि नासा में कि
ओम उच्चारण हो रहा पृथ्वी में। तो ये उच्चारण मेरे अंदर में हो रहा था, मेरे नाभि चक्र से हो रहा है ऐसा। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब वो चीज़ें मेरे को मिल रही हैं, गिफ्ट है मेरे को। मतलब मैं वेजिटेरियन होते ही मेरे को एक गिफ्ट मिलने लग गए हैं। और उसके बाद अभी हाल ही में 6 महीना पहले मेरा एक दोस्त है, मैं भोपाल गया था तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले मैं उनको बताया मैं मेडिटेशन करो यार, तो बोले क्या मैं पिरामिड में करो। मैं पिरामिड में, हमारे रायपुर में पिरामिड है जैन साहब का, मैं वहाँ जाता हूँ और कोई टाइम का लिमिट नहीं है, आप कभी भी किसी भी टाइम जाओ और वहाँ पर उसके अंदर में मेडिटेशन कर सकते हो आप, उसके अंदर में किंग चैम्बर भी है। तो मैं वहाँ जाता था, तो मैंने उनको जब बताया तो बोले यार हमारा भी तो पिरामिड है। मैं क्या चीज़ है पिरामिड, दिखा दो। तो तांबे का छोटा पात्र उन्होंने दिखाया। अब बोले आप लोगों से और हमारा बहुत मेल खाता है। मैं क्या, बोले आप लोग वेजिटेरियन को बोलते हैं, हम लोग भी वेजिटेरियन को बोलते हैं, क्योंकि ये जो तांबे का पात्र है इससे पृथ्वी माता का, ये आप लोग कॉस्मिक जो ईश्वर की शक्ति है उसको फैलाते हैं, और ये जो मदर ऊर्जा है, फादर ऊर्जा और मदर ऊर्जा मिलेगी तभी काम होने वाला है। तो उन्होंने अपना पात्र बताया, बोले इसमें देसी गाय का घी और देसी गाय का कंडा होता है यूज़ में, और टाइम टेबल्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे होता है। इस पे अपने को 2 अक्षत करके 2 मंत्र रहते हैं, सवेरे 2 शाम को करने रहते हैं। वो जैसे करते हैं तो एनवायरनमेंट आपका इतना प्यूरीफाई हो जाता है कि जो अभी जो वायरस का चल रहा है कोविड का, आप हैरान होंगे मैंने कोई मास्क नहीं लगाता हूँ। वो कानून है, जब स्ट्रिक्ट होते तो मैं मजबूरन मैं आप लोगों को कि भाई पुलिस वालों से कौन वो करे तो मैं लगाता हूँ, लेकिन ऐसे अब लगाने जरूरत नहीं पड़ती। मेरे लंग्स भी स्ट्रांग हो गए हैं, मैं उसमें प्राणायाम भी करता हूँ। तो वो उस भोपाल वालों का शुक्रगुजार हूँ, वो चावड़ा जी का, कि उन्होंने मेरे को ये उल्टा पिरामिड भी दिखाए। अब उसमें अग्निहोत्र होता है, और वो अग्निहोत्र और ये मेडिटेशन पिरामिड का ये घर घर पहुँच जाए, ये मेरे को मैंने संकल्प किया हूँ, और इनके ग्रुप के साथ में, और ये सब संकल्प वाले हैं, सब मास्टर हैं, ये चाहते हैं कि इस घर घर पहुँचे। जब ये चीज़ पहुँच जाएगी तो ये घर जो दुनिया है ये स्वर्ग हो जाएगी, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होगी, कोई वायरस अटैक नहीं करेगा, चाहे कोई भी राक्षस तो हर जगह पे है, वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए, इनके अंडर में आ जाए। कि अगर आप अग्निहोत्र करते हैं और पिरामिड में करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका शरीर इतना स्ट्रांग होगा, आत्मा स्ट्रांग होगी, आपकी मन स्ट्रांग होगा, तो बाहर की चीज़ अटैक करेगी ही नहीं। ये बात पक्की 100% है, मैंने तो अजमाया हूँ, एक सरदार होकर अजमाया हूँ मैंने, कि वेजिटेरियन में ताकत ज़्यादा है और शरीर को भी कम मेहनत करनी पड़ती है, ऑक्सीजन पूरा मिलता है। तो ये दोनों संदेश मैं हर जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ, और इससे जब मेरे को लाभ हुआ तो मैं चाहता हूँ कि हर एक को लाभ मिले। और कितनी अच्छी बात है कि आप एनवायरनमेंट माता जो धरती माता है उसको अगर आप सहयोग करते हैं, तो ये प्रदूषण रहित वायु, पांच जो है महाभूत जो जिसमें भगवान बोलते हैं, तो भगवान मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये पांचों अपने शुद्ध हो जाते हैं। और जब अपनी आत्मा शुद्ध होगी किससे, मेडिटेशन से, अपनी पावर बढ़ेगी मेडिटेशन से, और ये पांच भूत को अगर अवेयर में अपना अग्निहोत्र करते हैं साथ में, तो ये पांच भूत सही हो जाएंगे, तो हमारा सवाल ही नहीं उठता। जब टॉक्सिन रहेगी नहीं तो अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। आपकी सोच इससे अच्छी हो गई, आत्मा आपकी स्ट्रांग हो गई, शरीर आपका इसके फिजिकल बॉडी इससे सही हो गया, अवेयरमेंट सही हो गया, अब उससे गाय बचेगी, और गाय का जो गोबर है वही सही मानों में अपना ऑर्गेनिक खेती में काम आता है, उसी से केचुआ खाद बनती है वगैरह वगैरह। वो आप डिटेल में कभी जानेगा, मेरा सिर्फ टॉपिक इतना है कि ये पूरा जो चक्र अभी उल्टा जो चल रहा है, जो स्वास्तिक है वो उल्टा हो गया है, अब इसको सीधा करने का टाइम आ गया। पत्री जी महाराज और इनका ग्रुप है, और अग्निहोत्र वालों का ग्रुप है, इनके साथ में समेश होकर अपन को सीधी चाल चलनी है। अब जैसे जिस दिन अपन सीधी चाल चलेंगे फिर ये स्वर्ग बन जाएगा, और यहाँ नर्क नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई जात पात का लफड़ा नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झंझट करेगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन की वजह से लड़ाई होती। मैं बता रहा हूँ ना, 2002 से पहले मैं भी टेंशन में आता था, गाड़ी भरी है तो खाली क्यों नहीं, खाली है तो भरी क्यों नहीं, पुलिस वाले ने क्यों पकड़ लिया, लेबर ने क्यों नहीं खाली की, लेबर ने क्यों नहीं भरा, वो फलाना एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर को 2 गाली दे दो, फलाना झंझट कर लो, मतलब मैं टेंशन, वो लाइफ जो है ना जो अभी मैं जी रहा हूँ स्वर्ग वाली, मैं चाहता हूँ हर आदमी को वो नसीब हो। और इसके अलावा मैं आप क्या बताऊँ, बहुत कुछ है, ये संसार है, आप डुबकी मारेंगे तभी पाएंगे मेरे बोलने से, और जो मेरे को अनुभव हुआ है वो आप डुबकी मारे बिना अनुभव लेना चाहेंगे तो ही फायदा है। मैं एक बहुत अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि सिख का मतलब क्या, सीखते रहो, और जो सीखेगा अंतर मन से आत्मा के तल पे तो वो सिखाने पे भी बहुत अच्छी महारत हासिल होगी उसकी। तो यही कॉन्सेप्ट मेरे को ना पत्री जी का बहुत अच्छा लगा, कि मैं तो सिख था ही ऑलरेडी, सीखने को तत्पर रहता ही था, तो मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट पत्री जी का भी सेम है कि सीखो और सिखाओ और लोगों को प्रचार करो।
तो मैं ये तो मेरे लाइक का काम हो गया, मेरे सिख कौम के लाइक का काम हो गया, तो मैंने इस पर ये प्रचार करना चालू किया हुआ हूँ और लोगों को बताता हूँ कि देखिए हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी विजडम ये चारों अगर आपको मिलता है तो ही आपका आना सार्थक है। आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का? पर्पस जैसे मेरा था गाड़ी में भरना और खाली करना ये करना, वो मेरा पर्पस नहीं था। तभी मेरी आत्मा वहाँ संतुष्ट नहीं थी, मेरे को लगता था ये जबरदस्ती का मेरे को थोपा गया माँ बाप के थ्रू और इसको मेरे को करना पड़ रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं है वो। और आज मेरे हाथ में टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ है, मैं जैसा चाहूँ सवेरे मैं उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सूरज के सामने त्राटक करता हूँ, अग्निहोत्र करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। अभी हमारे पास वहाँ ऑक्सीजन जोन बना है इतना शानदार, वहाँ का ऑक्सीजन का बेनिफिट लेता हूँ, जमीन का नंगे पैर में चलता हूँ। लेकिन अगर मैं वो पुराने ढर्रे में या दुकान में लगा होता तो मैं ये चीज़ें कभी इस जन्म में कर नहीं पाता, और ये किए बिना यहाँ से मुक्ति नहीं है। आपको जो आनंद लेना है, आनंद लेने आया, वो आनंद नहीं मिलेगा तो आपका पूर्वार्थी जननम पूर्णतम मरणम वाला काम होता रहेगा। जन्म लेते रहो मरते रहो, बस यही रहता रहेगा। 9 महीने का झंझट लेते रहो, 9 साल का झंझट लेते रहो, ये सब झंझटों से मुक्ति मिलेगी। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट पत्री जी का लगा कि ये मेरे जो गुरु ग्रंथ साहब में भी दिया हुआ वही कॉन्सेप्ट ही है, सेम है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ और लोगों को करवा पा रहा हूँ। तो लोग अगर इसको करते हैं तो शुरू शुरू में कंफर्टेबल जोन, वो जिस काम में लगे हुए हो आप, तो उससे आप निकलते समय आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, आप निर्भय होके आ जाइए। और जैसे आप आएंगे तो आप इसका आनंद लेंगे और आपको सवेरे अपने आप उठने लग पाओगे, एक टाइम से सो पाओगे, एक टाइम से जाग पाओगे। और मेडिटेशन में इनके पास एक से एक मास्टर आते हैं जो एक से एक चीज़ें बताते हैं। और इसमें अभी बीच में मेरे को एक सज्जन आए थे, उन्होंने तिब्बती जो मैं नाम नहीं जानता हूँ क्या चीज़ है, उसके द्वारा जब मेडिटेशन करा तो उस टाइम मेरे को इतना अच्छा आनंद लगा कि मेरे उठने का मन नहीं कर रहा था उस जगह से। तो वो नई चीज़ मेरे लिए हुई। अगर वो चीज़ें हैं या पिरामिड बनाने के लिए मैं करूँ तो इस जन्म में मेरे पास इतनी क्या खर्चा करने की भी ताकत नहीं, लेकिन यहाँ एक ग्रुप की वजह से वो पिरामिड बना बनाया हमको मिल गया। जैसे पिछले जन्म का हमारा प्रलब्ध रहा होगा, ये सब पूरा हमारा परिवार रहा होगा, इन्होंने हमें वो उपलब्ध करा दी, हमको कोई बनाने का झंझट नहीं, कोई लेने का झंझट नहीं, और उसमें हम लोग बैठते हैं उसका आनंद लेते हैं। ये जो मास्टर लोग आते हैं नई नई चीज़ें लेके आते हैं और वो जो मेडिटेशन कराते हैं उस चीज़ के द्वारा तिब्बती स्टाइल से, उसका भी आनंद में ले लिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आइए और आने के बाद जब इस कॉन्सेप्ट में आप जब जाएंगे तो देखो दाल रोटी तो सभी ने खाना है, तो दाल रोटी आपको नहीं मिलेगी ये बात पक्का है कि मिलनी ही है। क्यों? क्योंकि माँ ने अगर आपको पैदा किया है तो ईश्वर है माँ बाप हमारा, उन्होंने अगर हमको पैदा कर दिया है तो राशन की तो चिंता आपको करनी नहीं है, वो राशन उपलब्ध होना ही है। एक भिखारी है या एक जानवर है या वो पशु पक्षी, उनको कहाँ से दाना पानी मिलता है? अपने आप मिलता है, ऐसे आपको मिलता है। मैं 18 साल से ये देख रहा हूँ कि जो 18 साल पहले मैं सोचता था मैं करता हूँ, भगवान ने बोला नहीं तू नहीं करता, तू सिर्फ एक माध्यम है, ये मेरे को अब पता लगा। और 18 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वही ईजी गोइंग मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, मेरा सेंटर चला रहा हूँ मैं, उस एक्यूप्रेशर में लोग आते हैं और मैं उनको मैं क्या चंगा करता हूँ वो ईश्वर करवाता है, श्रेय मेरे को मिल जाता है। एक्यूप्रेशर करने के बाद में उनको ना गोली लेनी पड़ती है, और मेडिटेशन से भी वही होता है। मैं तो लोगों को यहाँ साफ बोलता हूँ मेरे को एक्यूप्रेशर कराने की आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन आप ईमानदारी से अपनी जितनी एज है उतनी मिनट आपको करना है, चाहे उसको 2 टुकड़े में कर लीजिए, आधा सवेरे कर लीजिए आधा शाम को कर लीजिए, चाहे अल्फा स्टेज में करिए सवेरे उठते बिस्तर पर कर लीजिए, कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, चाहे रात को कर लीजिए सोते समय। आप उतना अगर आप करते हैं तो सफिशियंट है, आप हैरान होंगे कि आपको हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी विजडम चारों बैलेंस लाइफ मिलेगी। मतलब आपको किसी चीज़ की चिंता करनी चाहिए, आप उनके सपुर्द कर दो। अब माता के पेट में अपन जो नाल से लगे रहते हैं तो हमारे को राशन पानी कौन देता है? वहाँ पर वही देता है। तो ये कहने का तात्पर्य कि अपन बेमतलब का ना टेंशन लेते हैं। और संसार में देखा जाए तो दाल रोटी के लिए जितनी महंगाई बढ़ती उतना तो आदमी की तनख्वाह बढ़ जाती है, रोजी रोटी बढ़ जाती है। जो पहले 50 रुपये में रोजी करते थे आज उनकी 400 रुपये 500 रुपये रोजी है, जिनको पढ़े लिखे नहीं है तो भी वो भी 70 साल जीते हैं, और जो पढ़ा लिखा है अमीर है वो भी 70 साल जीता है। उसको बल्कि चश्मा लग जाता है, उसको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, इनको कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये, जब मैं ये निरीक्षण कर रहा हूँ, मेरी आज उम्र 62 साल है और 50 साल की एज में मैं यहाँ आया, और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी 20 साल की एज में यहाँ आ जाए, बल्कि हो सके तो वो 16 साल की एज में आ जाए, तो आप हैरान होंगे उनको स्वर्ग ज़्यादा मिल जाएगा। और 70 साल की एज है अपने इंडियन लोगों की, जापानी लोगों की बोलते हैं शायद 110 है,
हुंजा वालों की 120 है, तो ये सब यहाँ से पता लगा है। तो कहने का मतलब है जो आप जी रहे हो वो कम से कम ऐसा जियो, आप कितना भी जोड़ लो, आप खाना तो दो रोटी है, एक ही पलंग में सोना है, कोई 10 पलंग और 10 मकान बना लो, 1000 फैक्ट्री। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, प्रोग्रेस करोगे आप, ज़्यादा बनाओगे तो और लोगों को काम मिलेगा, लोगों को किराएदारों को मकान मिलेगा वगैरह, उसका सब लाभ है। क्या इसके जानता जो कर रहा है भगवान वो अच्छा ही कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपको दाल रोटी खानी है तो फिर जानवरों को मारने की जरूरत क्या है। अगर वेजिटेरियन, आपका शरीर ही वेजिटेरियन, आपको बीमारी में बुढ़ापे में आप पहले मजा बाद में सजा, और पहले सजा बाद में मजा। भाई मैं मजा लेने के लिए नॉन वेज खाऊं और बाद में मेरे को कैंसर हो जाए, मेरी किडनियां डायलिसिस में चले जाए, मेरे को टीवी हो जाए, मेरे को फलाना हो जाए, वो उसके बाद भुगतूं मैं बिस्तर पे रगड़ रगड़ के। और कौन सा बहू देखेगी ज़्यादा कि बेटा देखेगा, हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम है। आगे पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी आ रही है उसको मैनेज करना, उनको आज के ज़माने में वो होता है प्रॉब्लम है। तो वो नौबत ही क्यों ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी, ना अपने को ये प्रॉब्लम लेनी है, और जैसे आए वैसे जाए, पूरा सही सलामत अपने शरीर को वाहेगुरु के पास जाए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट को समझे, जो पत्रिस जी महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल रूट चक्र की बात कर रहे हैं, कि वेजिटेरियन रहो, ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, सीजनिंग फल खाओ है, और उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं, और जितनी लाइफ है वो आप इंजॉय करो। इस संसार को ये सोचो कि ये गार्डन है, ये ऑक्सीजन है, इसका इंजॉय करते हुए आप जाओ इस धरती से। ये नहीं कि कोई अंग कट रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लंग्स अपने काम नहीं कर पा रहे, किडनी काम नहीं कर पा रही, वो लाइफ थोड़ी है। तो लाइफ जो है वो है मस्त मलंग मौल वेदम फकीरी टाइप मस्त, ये है मेरा मेरे आप सबसे अनुरोध है। और जितना अब डुबकी तो मारनी पड़ेगी, जो डुबकी मारेगा उस वही मोती पाएगा। और ऊपरी तल पे तो लेक्चर तो बहुत है दुनिया में, टीवी में, वीडियो में, हर जगह अच्छाई बताई जा रही है, लेकिन क्या अच्छाई को अमल किया जा रहा है? मेन तो है एक्शन, जो एक्शन करेगा वो उसी को ही फल मिलने वाला है। धन्यवाद।